हेलो दोस्तों दोस्तों आप सभी जानते हो 1 फरवरी आज है और जो बजट पेश होना था वो सुबह से लाइव था और उसमें काफी अपडेट भी आई हैं। लेकिन आपको पता है कि मैं हमेशा आपको क्रिप्टो के हवाले से जितनी भी अपडेट आती हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो आज क्रिप्टो से रिलेटेड जहां पर क्या अपडेट आई उसके बारे में बात करेंगे। जो टैक्स के बारे में बात हो रही थी उस टैक्स के ऊपर क्या रिडक्शन हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में बात करेंगे और जो भी इससे रिलेटेड बाकी अपडेट निकल के आई है उसके बारे में भी बात करेंगे और कुछ मेजर अपडेट देंगे आपको क्रिप्टो की इंडस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों 1 फरवरी था, रिट्रीव बजट का आज दिन था और जहां पर ये जो बजट आज पेश होना था आप सभी जानते हो, पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था कि इस बजट के अंदर ये कोई फुल फ्लेज्ड बजट जो था वो नहीं था, क्योंकि फुल फ्लेज्ड बजट वही होता है जो गवर्नमेंट बनने के बाद दूसरी जो नई गवर्नमेंट आती है वो अपना पेश करती है। तो इस बजट में जो भी डिस्कशन हुई थी आसार कम थे, लेकिन हम सभी को जहां पर एक उम्मीद थी कि हम जहां पर शायद कोई क्रिप्टो टैक्स के ऊपर कटौती को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटी है जो क्रिप्टो के साथ जुड़ी हुई है और आप सभी जानते हो कि पिछले काफी टाइम से हम इसकी बात भी कर रहे थे, हम हैशटैग यूज कर रहे थे ट्विटर के ऊपर, बहुत सारे जितने भी क्रिप्टो होल्डर्स हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो जो बात कर रहे थे कि आने वाले बजट के अंदर 1 फरवरी को क्रिप्टो टैक्स से लेकर या TDS के ऊपर कोई ना कोई अपडेट आ सकती है। तो आज कुछ भी जहां पर चेंज नहीं हुआ ये एक मायूस होने वाली खबर जरूर है, क्योंकि हमको भी उम्मीद थी कि जहां पर शायद गवर्नमेंट इसके ऊपर थोड़ी सी कोई विचार विमर्श करे तो थोड़ा सा हमें जहां पर कुछ ना कुछ राहत मिले, लेकिन सभी लोग जो एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे कि जो 1% TDS है वो कम होके जहां तो 0.1 रह जाएगा या 0.01 हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी है और शायद जो गवर्नमेंट है वो उस कम्युनिटी को नाराज नहीं करना चाहेगी। लेकिन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो के टैक्स से रिलेटेड या TDS से रिलेटेड कोई भी अपडेट यहां नहीं दिया। जैसे एचडी चल रहा था अभी भी वो ऐसा ही चल रहा है, अभी जो नेक्स्ट बजट आना है शायद जून जुलाई के आसपास वो बजट आने की संभावना है, तो उसमें हो सकता है कि कोई हमें बड़ी अपडेट देखने को मिले, लेकिन आज के लिए क्रिप्टो के टैक्स के हवाले से या TDS के हवाले से कोई भी चेंज नहीं हुआ, सेम सारा कुछ वैसे ही चल रहा है। और जहां तक बात करें क्रिप्टो इंडस्ट्री की तो दो बड़ी अपडेट आई हैं। एक आपने देखा है कि ग्रे स्केल ने और भी ज्यादा सेलिंग कर दी है और ग्रे स्केल डे बाय डे जहां पर सेलिंग करता जा रहा है जिसका प्रेशर मार्केट के ऊपर हमें थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है, लेकिन जो बाकी ETF होल्डर हैं वो BTC को सपोर्ट कर रहे हैं और उसको होल्ड कर रहे हैं। अब दूसरी जो नेगेटिव न्यूज निकल के आई, जैसे ही ग्रे स्केल की जो न्यूज आई कि ग्रे स्केल ने कुछ और BTC जो अपने हैं वो सेल कर दिए हैं, उसी टाइम एक और बड़ी खबर आई क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो नेगेटिव न्यूज थी, वो थी XRP रिपल के अकाउंट्स की हैकिंग की। और जो रिपल के अकाउंट्स हैं वो हैक हुए हैं, जहां पर काफी बड़ी तादाद में जो रिपल्स हैं वो गायब हो गए हैं सेंट्रलाइज अलग अलग एक्सचेंजेस के वॉलेट्स के ऊपर। तो ये तो बड़ी नेगेटिव न्यूज निकल के आई थी कल, जिसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर थोड़ा बहुत हमें देखने को मिल रहा है और BTC की लगभग 1000 से ज्यादा डंप में दिखाई दे रहा है और इसका इफेक्ट बाकी ओल्ड कॉइन्स के ऊपर भी पड़ रहा है। अभी जो तो नेगेटिव न्यूज थी, ऊपर से जो बजट का सेशन था ये एक न्यूज हो गई, इसके ऊपर भी कोई चेंज नहीं आया और जो FU की रिपोर्ट आनी थी उसके अंदर भी परसेंटेज सेम रहा है 5.25% से लेकर 5.50 के अंदर और वो सेम रहा है वही 5.50% ही। तो जहां पर जितनी भी न्यूज आई है आज क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेके वो सारी की सारी मेरे को लगा था कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में डंप है, जहां पर आप तो चाहो तो जहां पर आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री जहां पर बूम करेगी ही करेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये करने ही वाली है। और जैसे जैसे BTC की हाफ पास आती जा रही है वहां पर भी हमारे जहां पर बुल मार्केट के चांसेस और भी बढ़ रहे हैं और मार्केट ऑलरेडी अपने लेवल से काफी बढ़िया चल रही है। तो जहां पर आप क्या करो, जहां पर एंट्री बनाओ, मैंने कल रात भी एक वीडियो डाला था जहां पर मैंने आपको सिप करना बताया था, आप इस वीडियो को देख सकते हो अगर आप मंथली बेसिस के ऊपर क्रिप्टो के अंदर सिप करना चाहते हो, और भी मैं आपको डे बाय डे सारी अपडेट यहां पर देता रहता हूं अपने चैनल के माध्यम से। तो आप जहां पर क्रिप्टो इंडस्ट्री के अगर होल्डर हो लॉन्ग टाइम, अगर जहां पर इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ना चाहते हो तो आपके लिए अच्छा समय है, जहां पर आप काफी पॉइंट्स में जहां पर डिप में आपको एंट्री मिल सकती है। ऑप्टिमिज्म काफी डाउन चल रहा है, जहां पर ICP डाउन चल रहा है, जहां पर कावा भी डाउन आया है और बहुत सारे और भी कॉइन है आप देखोगे जो मैंने आपको सजेस्ट किए हुए हैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम के चैनल के ऊपर, वो सारे कॉइन जहां पर डिप के अंदर आपको बाय करने का मौका मिल रहा है।
तो सुबह से मैं भी बस अपनी नजर बनाए रखा था कि शायद यहाँ पर हमें जो बजट है उस सेशन के अंदर कोई ना कोई बढ़िया अपडेट देखने को मिले। और जैसे ही मेरे हाथ में ये न्यूज लगी कि जहां पर कोई चेंज नहीं है, मेरे को लगा कि मेरे को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये इंस्टेंट वीडियो बनाया आपके लिए। होप आपको जो भी मैंने अपडेट दी वो पसंद आई होगी। ऐसी ही और अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।